हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सभी के लिए एक और नया ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ चुका हूँ जो आपका बहुत ही दिल को खुश कर देगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ जो नॉर्मल गेम टर्बो होता है उसके ही भैया उसके बेहतर एक गेम टर्बो आया है, गेम टर्बो 3.0। उस गेम टर्बो को अपने फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करना है बिना रूट किए, बिना TWRP जो यूज़ नहीं किए, तो कैसे इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में उसी के बारे में मैं आप सबको दिखाऊंगा, ठीक है। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मैं बताने वाला हूँ इस गेम टर्बो के अंदर क्या कुछ फीचर्स दिया गया है, इसके अंदर वॉइस चेंजर है कि नहीं, ये बहुत लोगों का सवाल है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब तो जरूर करना और हमारे इस वीडियो को लाइक तो जरूर करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आप सबको दिखाऊंगा जो नॉर्मल गेम टर्बो होता है फ़ोन के अंदर वो आप बिना इंस्टॉल किए कैसे फ़ोन डिस्प्ले में ला सकते हो। पहले आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद थोड़ा नीचे के जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जो स्पेशल फीचर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेशल फीचर्स, उसमें जाना है। तो उसमें जाने के बाद यहाँ पे गेम टर्बो में जाना होगा, उसमें जाने के बाद ऊपर की तरफ जो सेटिंग्स वाला ऑप्शन है उसमें जाना होगा। और यहाँ पर आप सबको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है होम स्क्रीन शॉर्टकट, तो इसको आप ऑन कर दो। इसको ऑन कर देने के बाद आपके फ्रंट में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो और इसको ऑन भी कर सकते हो। और नीचे की तरफ आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एंसर कॉल हैंड फ्री, तो इसको भी आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप सब देख पाओगे यहाँ पे दोनों गेम टर्बो यहाँ पे आ चुका है, मैं दोनों को कंपेयर करके मैं आप सबको दिखाऊंगा, ठीक है। पहले मैं आप सबको दिखा रहा हूँ जो नॉर्मल गेम टर्बो है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसा ही इंटरफेस आएगा नॉर्मल गेम टर्बो में। और इसके बाद मैं ओपन कर रहा हूँ गेम टर्बो 3.0 को, तो इसको ओपन करने का, ओ भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा स्टाइलिश जो इंट्रो होता है यहाँ पर दिया हुआ है इस गेम टर्बो के अंदर। तो यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आप सबको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर आपसे ऊपर की तरफ देखोगे तो कुछ नया फीचर्स ऐड किया हुआ है, और नॉर्मल गेम टर्बो को देखोगे तो यहाँ पर एक ही प्लस वाला आइकन दिया हुआ है और सेटिंग्स वाला आइकन, ये सब उस गेम टर्बो के अंदर ऐड किया हुआ है जो इसको बहुत ही स्पेशल लुक दे रहा है। और इसको भी मैं ऑन करके भी दिखा देता हूँ। इसको ऑन कर देने के बाद यहाँ पर आप सब देख पाओगे यहाँ पर बहुत सारा ऐप्स आप ऐड कर सकते हो, और इसके पास वाला आइकन को टैप करने के बाद ये रोटेट हो जाएगा, आप इसको रोटेट करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ। तो इसको बैक करने के बाद बैक हो गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये रोटेट करके ही ऑन हो रहा है, जो बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया हुआ है। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ। इसको बाद में जाता हूँ सेटिंग्स पे, तो सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा गेमिंग फीचर्स दिया हुआ है, अब इसको गेमिंग मोड कर सकते हो और ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हो। इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्टिमाइज़ परफॉर्मेंस, इसको आप ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। और इसके ठीक नीचे यहाँ पे देखोगे तो एक फीचर्स दिया हुआ है एनएन साउंड, तो इसको ऑन कर देने के बाद आपका जो वॉइस क्वालिटी है उसका नॉइज़ बहुत ज़्यादा क्लियर कर देगा और आपका वॉइस क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ। तो इसके ठीक नीचे यहाँ पे देखोगे तो मेमोरी एक्सेप्टेशन है, यहाँ पे बहुत सारा ऐप्स यहाँ पे शो कर देगा, तो इसको आप ऐप से ऑन कर सकते हो। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ। इसके ठीक नीचे यहाँ पे देखोगे तो यूज़ टूल बॉक्स, तो इसको आप, इसका क्या काम है, आप इसको ओपन करके रखा हुए तो यहाँ पे जो टूल बॉक्स होता है गेम ओपन करने के बाद वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। और यहाँ पे नीचे की तरफ देख पाओगे D&D सेटिंग्स दिया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारा फीचर्स लिखा हुआ है, इसको आप सारे ऑन करके रखना है। ये आपका ऑन कर देने के बाद आपका जो टूल होता है टूल बॉक्स वहाँ पे इसको शो कर देगा, ये सब आपका वहाँ पे शो कर देगा, तो आपका बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा। तो इसको आप सारे ऑन करके रखना, इसको आप बैक कर लेता हूँ, ठीक है। और दोस्तों, इस गेम टर्बो में एक प्रॉब्लम है, अभी तक इस गेम टर्बो में कोई वॉइस चेंजर का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। सो अभी तक इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड होना बाकी है, तो इसका ऑफिशियली अपडेट के बाद यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स ऐड होगा और उसके बाद ही इसका आप यहाँ पे वॉइस चेंजर देख पाओगे। लेकिन अभी तक इसमें जो फीचर्स दिया हुआ है आप बिल्कुल निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। तो दोस्तों, अभी मैं आप सबको दिखा रहा हूँ PUBG को ओपन करके इसके अंदर क्या कुछ टूल बॉक्स दिया हुआ है मैं आप सबको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख पाओगे जो नॉर्मल गेम टर्बो है वो भी ओपन हो गया था। तो यहाँ पर आप सब देख पाओगे अभी जो चल रहा है जो मॉडल है जो गेम टर्बो 3.0, तो अभी वो यहाँ पर आप शो कर दिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारे टूल्स यहाँ पर शो कर दिया है। तो यहाँ पे जो राइट वाला जो ऊपर वाला जो ऑप्शन है उसको ऑन कर देने के बाद आपका गेम तो ऑन रहेगा लेकिन आपका डिस्प्ले का लाइट बंद हो जाएगा और आपका बिल्कुल बैकग्राउंड में गेम चलता ही जाएगा। इसके आपका कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगा, आपका बैकग्राउंड में गेम चलता ही जाएगा। ये बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है इस गेम टर्बो में, तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर आप सब देख पाओगे और भी बहुत सारा टूल्स दिया हुआ है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देख पाओगे D&D मोड भी दिया हुआ है, ऑटो ब्राइटनेस और वाईफाई का मोड भी दिया हुआ है। यहाँ पर फेसबुक, व्हाट्सएप, स्क्रीन रिकॉर्डर और यहाँ पर बूस्ट भी कर सकते हो, जो आपका चेस होता है जो क्लियर चेस, यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हो।
तो इसको मैं बूस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप सब देख पा रहे हो कितना जल्दी क्लियर हुआ है। आप यहाँ पे जितना ज़्यादा क्लियर करोगे आपका गेम का स्मूथनेस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया हुआ है इसमें। और दोस्तों आप अपने फ़ोन में दोनों गेम टर्बो भी ओपन करके रख सकते हो या इसमें आप दोनों ही काम कर पाओगे। यहाँ पर आप देख पाओगे जो नॉर्मल गेम टर्बो भी ओपन हो रहा है, यहाँ पर आप गेम टर्बो 3.0 भी ओपन हो रहा है। और दोस्तों मैं आप सबको फिर से फ्री फायर भी ओपन करके दिखा रहा हूँ इसमें कैसे काम करता है। इसमें भी सेम ही प्रोसेस है, आप इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा टूल्स ओपन हो जाएगा, इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आप सबको एक और चीज़ दिखाना भूल गया था उस गेम टर्बो में, इसलिए मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ देख पाओगे GPU और CPU यहाँ पे आप सब देख पाओगे, और नीचे की तरफ एक और चीज़ यहाँ पे देख पाओगे जो प्ले बटन है। इस गेम टर्बो में प्ले लिखा हुआ है और जो नॉर्मल वाला गेम टर्बो था उसमें लिखा हुआ है ओपन। यहाँ पर आप सब देख पा रहे हो यही एक चेंज किया हुआ है इस गेम टर्बो के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों अभी आप लोग सोच रहे होंगे एक गेम टर्बो अपने फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करें, क्योंकि बहुत लोग बोल रहा है कि एक गेम टर्बो इंस्टॉल करने के लिए आपके फ़ोन में आपको फ़ोन को रूट करना होगा, आपके फ़ोन के TWRP को क्रैक करना होगा, एक गेम टर्बो को फ्लैश करके आपके फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर फ्री आपके फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपका फोन MIUI 12 हो तो आपका फोन का वर्जन MIUI 12 नहीं है तो आपका फोन में इंस्टॉल भी नहीं होगा और कोई भी काम भी नहीं करेगा। इसलिए आपका Xiaomi का फोन है या फिर Redmi का, जो भी MI का, Poco का जो भी फोन है उसमें MIUI 12 इंस्टॉल होना चाहिए। और एक बात दोस्तों, आपका अगर MIUI 12.0.3.0 जो अपडेट है वो अभी तक आपका फ़ोन में चला है तो आपका जो ये इंस्टॉल करने के बाद भी आपका वॉइस चेंजर जो ऑप्शन है वो अभी तक नहीं आएगा। आपका अपडेट 12.0.5.0 ओ होगा तो आपका वॉइस चेंजर अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पर। इस वीडियो को थोड़ा बहुत पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक करना, और अभी तक हमारे इस चैनल पर ज्वाइन नहीं किया हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, उसके पास वाला जो बेल आइकन है उसको ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने पहले आ जाएगा। और इस वीडियो को पसंद आया तो कमेंट करना और अपने दोस्तों पे शेयर करना। जय हिंद।